ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಬಾರು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಟೀ ತುಂಬು ಗಾಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಳಿ ಬೇತಾಳ ಬೀದಿ ದೀಪ ಪಂಚರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಶಾಪ ಇದೀಯ ನಾಯ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತು ಒಂದೇ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡು ಟೈಮು ಮಿಕ್ಕದೆ मुझे बताओ क्यों ये कह जा रही हमेशा तुम ही तय नहीं करोगे माना है तो आओ बता जाओ बाय बात करना बड़ा तो
ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। हाल ही में पता चला है कि कई महीनों से बढ़ रही चोरी की घटनाओं में बंद घरों को ही टारगेट बनाया जाता है। चोर कोई सुराग नहीं छोड़ते हैं। बेंगलुरु पुलिस के लिए ये एक चुनौती बनती जा रही है। अच्छा बताइए, आपने इतनी सारी दवाइयाँ क्यों मंगवाई? मैं अपने पोते पोतियों से मिलने विदेश जा रही हूँ। मुझे लौटने में एक महीना लगेगा। अगर वहाँ दवाई नहीं मिली तो इसलिए लेकर जा रही हूँ। हाय अंकल, घर में पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हो? अरे पूछो ही मत, उन्होंने घर में आतंक फैला दिया है, इसलिए ये सब करवाना पड़ रहा है। 3 दिन बेटी के घर रहूंगा। हेलो मैडम, मैं दवाइयाँ देने के लिए आया हूँ। मैडम क्या मैं लोकेशन पर रही हूँ? सॉरी, मुझे कोई इमरजेंसी थी तो मुझे कहीं जाना पड़ा। मैं वापस आकर कॉल करूँ? ओके मैडम। Thank you.
समय क्या हो गया यार? ए, तुमने न्यूज देखी? ये न्यूज का समय है, चलो अब सो जाओ यार। अरे भाई ब्रेकिंग न्यूज है। ए, ब्रेकिंग न्यूज देखने का टाइम है, पागल हो गया यार। मेरी बात सुनो, पहले टीवी चालू करो, ठीक है? नहीं यार, रुको एक मिनट। कोरोना की दूसरी वेव रोकने की कोशिश में सरकार ने पूरे देश में कल रात 9 बजे से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। सेकेंड लॉकडाउन, अब तो क्या यार? ये तो ठीक है, तुम्हें क्या, तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिचुएशन हमारे लिए वैसी नहीं है, हमें दिक्कत होगी। ठीक है, मुझे सुनो दो। ए, रुको, जेनी का क्या? सेम ही है यार, मैंने उसे फोन नहीं किया। तुम लोग टॉम और जेनी की तरह क्यों लड़ते रहते हो, बस हर वक्त लड़ाई ही लड़ाई। रुको, जैनी का कॉल है। तुम किससे बात कर रहे थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। दोस्त। कौन सा दोस्त, लड़की या लड़का? एनासिन, तुम्हें क्या यार? तुम्हें पता है ना, हमें बात करे एक हफ्ता हो गया है, अब क्या यही करते रहोगे? हाँ, तुमने लड़ाई शुरू की है? बेवकूफी करना बंद करो, ठीक है, इसे छोड़ दो। तुमने न्यूज देखी क्या? दूसरा लॉकडाउन अच्छा है? हाँ, मेरी गलती है, कल से तो लॉकडाउन है। हम रात 9 बजे से पहले मिले। इतनी दूर से कैसे आओगे? लॉकडाउन रात 9 बजे से है ना, मैं शाम 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी, रेगुलर स्पॉट पर मिलेंगे। ठीक है, देर मत करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं। वो कहाँ पर यार? नहीं, मैं बीएल सर्कल रोड पर हूँ, बस आने वाली हूँ, बस 15 मिनट रुको। जल्दी आओ। Thank you.
सॉरी डियर। पंद्रह मिनट में पहुंच जाऊंगी। नहीं, मैं बेल सर्कल रोड पर हूँ। हेलो कौन बोल रहे जानी? जब भूख लगती है तो आदमी को खाना चाहिए होता है, कौन बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम्हें बस अपनी जेनिफर चाहिए। मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ए, कौन हो तुम? जेनी क्या है? जेनी का फोन कैसे मिला? मैं जेनी के घर जाऊं या जेनी मेरे घर आए, उससे मेरे साथ रहना होगा और उसका फोन भी मेरे ही पास होना चाहिए। भाड़ में जाओ। लेकिन मैं समझ गया तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। क्या चाहते हो? बढ़िया, तुम समझदार हो। तुम्हें समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक ड्रग डीलर हूँ। जो पैकेज मुझे डिलीवर करना है वो लॉकडाउन की वजह से अटक गया है। तुम्हें एक जगह पर डिलीवर करना होगा। अगर तुम सही तरह से ये कर दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आजाद कर दूंगा। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? बताता हूँ, सिर्फ मेडिकल के लोग ही आजादी से काम कर सकते हैं इस वक्त पे। इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना। क्या गारंटी है कि तुम जैनी को फिर छोड़ दोगे? जब जानवर को काटते हैं तो वो हिलता नहीं है। पता है क्यों? विश्वास। अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने मुझे चुना लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं हाँ करूँगा या नहीं? तुम्हें चुनने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा था। एक बार फंस गए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये मेरी पॉलिसी है। क्या मतलब? तुम्हारी पूरी बायोग्राफी मेरे हाथ में। अगर तुम मना करते हो तो 5 मिनट में तुम जेल में होगे। मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे या किस वजह से, बाकी तुम खुद तय करो। हे, हेलो हेलो हेलो, डैम इट,
व्हीकल कहाँ ले जानी है? व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजता हूँ, डिलीवर करके मुझे कॉल कर देना। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिलीवरी करनी है सर। चलो चलो आईडी दिखाओ। सर ये लो। कहाँ डिलीवर करना है इसे? सर इंदिरा नर्सिंग होम तक सर। ठीक है ठीक है। ए रमेश चलो गाड़ी चेक करो। ठीक है सर। सर सर सर, सर ये रेफ्रिजरेटर है, खोलो तो प्रॉब्लम हो गई सर। पता है जाओ जाओ खोलो। सर सर अंदर इंजेक्शन है, प्रॉब्लम हो सकती है सर। सर मुझे तुझे पूछता चुकी सर। हाँ हाँ मुझे वो सब पता है। ठीक है जाओ खोलो इसे। जाओ रमेश चेक करके आओ। ठीक है ओके सर। चलो चलो खोलो। चलो जल्दी खोलो। सर सर क्या कर रहे हो, जल्दी खोलो। हाँ सर खोलता हूँ सर। हेलो सर। हेलो आप यहाँ? सर अशोक सर। सर नमस्कार सर। सर इंदिरा नर्सिंग होम में दवाई लेकर जा रहा था सर। ए, तुम उन्हें जानते हो? हाँ हाँ ये वही है, हमारे घर की दवाई देता है। हाँ सर पूछ लीजिए सर। ए रमेश छोड़ दो इसे, जाने दो। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अगर कोई दवाई चाहिए तो कॉल करना सर। ठीक है अब जाओ। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ए रमेश बैरिकेड हटा दो। हाँ सर ओके हटाता हूँ। पूरा कर दिया, अब जैनी को छोड़ो। मैं उसे जाने दूंगा लेकिन अभी नहीं, तुम्हें और भी चीजें मेरे लिए करनी होगी। क्या मजाक कर रहे हो? मैं बेवकूफ नहीं, ये छोटा सा काम तुम्हारी ईमानदारी को चेक करने के लिए था। गेम खेल रहे हो मेरे साथ? ये काम खुद में ही बहुत मुश्किल था समझे। पुलिस मुझे पकड़ सकती थी समझे, मेरी किस्मत थी इसलिए बच गया। मैं ये नहीं कर सकता। पुलिस के साथ तुम्हारा लक काफी अच्छा है। Hey, तुम अपनी हड्डी पार कर रहे हो, अगर तुम मुझे मिल गए ना तो देखना। तुम्हारा अगला टेस्ट पुलिस स्टेशन में होगा। क्या पुलिस स्टेशन? अब सीधा अंजना नगर पुलिस स्टेशन जाओ और एविडेंस रूम में घुस जाओ और फाइल 124/12 को खत्म कर दो। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वो वहाँ मेरा स्वागत करने का इंतजार कर रहे होंगे। शायद तुम्हें पुलिस का पता नहीं है, अगर एक बार उन्होंने पकड़ लिया ना तो जिंदगी खत्म। तुम बिल्कुल नहीं पकड़े जाओगे समझ गए? ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, हमें बहुत काम करना है। ए, मैं ऐसे रिस्क नहीं लूंगा, समझ रहे हो? मैं रिस्क नहीं लूंगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हारे फोन पर एक वीडियो भेजता हूँ। Thank you.
ये सब तुम्हें कैसे मिली? उसकी चिंता तुम मत करो, समझ गए? तुम्हें ये काम पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो तुम्हें पता है कि आगे मैं क्या करूँगा। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पीछे एक गाड़ी है, वो गाड़ी लो और निकल जाओ। शिट। जाकर फाइल को खत्म करना ये कोई आसान टास्क नहीं। मैं क्या कर तुम क्या चाहिए? तुम्हारा चेहरा इतना रूखा क्यों है? लड़ाई करी है क्या? कहां हुई थी लड़ाई? सर ये कोई लड़ाई का मामला नहीं सर। फिर चोरी? सर 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 मेरा मेरा नाम रघु है, मिडविल्स में सर, मैं मिडविल्स के लिए काम करता हूँ सर। पुटन हली पता है सर, सर वहाँ चोरी हुई है सर। सर सर चार आदमी थे सर, मुझे 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 डर लग रहा है सर। ठीक है शांत हो जाओ। ए प्रकाश, उसे थोड़ा पानी तो दो। ये लो पियो। थैंक यू सर। धीरे धीरे पियो, मर मत जाना। तुम पुलिस स्टेशन में हो, डरो मत, समझे? अब बताओ आराम से क्या हुआ? दांत का दर्द है? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। नोट कर लो। सॉरी सर, सर मेरा नाम रघु है सर, मैं मेडविल्स कंपनी के लिए काम करता था, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम। मैं अपनी आखिरी डिलीवरी पर आउट था। खत्म करने के बाद जैसे जेपी नगर के पास वहां पर कहां सर, 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 पोटेंट हॉल के पास वहां से तो अपने पीछे एक एम्बुलेंस की आवाज सुनी सर। सर एम्बुलेंस को जाने देने के लिए मैं लेफ्ट में स्लो हो गया सर, सर और बहुत अच्छे अच्छे से मुझे लगा वहां गुजर जाएगी और वहां मेरे सामने आई और मुझे ब्लॉक कर दिया सर। मुझे पता नहीं था सर, चार आदमी सर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरे और मेरी ओर आए सर। मैं डर गया, डर के सहारे सर मैंने अपना पैसों का थैला अपने पीछे छुपा लिया सर। मैंने इसे किसी तरह छुपाने की कोशिश की सर। सर सर पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली सर। सर 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 मैं बहुत तेजी से फिर उसने मुझे जाने नहीं दिया सर, नहीं जाने दिया, उसे चाकू रखा सर। मैं डर गया था बैग को बचाने के लिए सर। सर मैंने उसे जमीन पर गिराया और बैग लेने की कोशिश की सर। सर लेकिन एक आदमी ने मुझे उड़ मार दी सर और मैं गिर गया और गिरते ही लगभग बेहोश हो गया सर। इससे पहले मैं उठ पाता सर, मुझे चार लोगों ने मेरे पैसे ले लिए और एम्बुलेंस में लेकर भाग गए सर। बोलो सर, सर मुझे कंपनी को दोष देगी सर। सर 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 मेरी नौकरी चली जाएगी सर, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो सर प्लीज। अच्छा गाड़ी के नंबर पर ध्यान दिया था? सर नंबर नंबर प्लेट सर सर नंबर प्लेट नहीं थी बल्कि स्टिकर लगा था सर। स्टिकर? कौन सा स्टिकर? कैच मी इफ यू कैन। हाँ हाँ सर सर बस यही लिखा था सर। सर सर कैच मी इफ यू कैन सर। ओ स्टिकर, अच्छा अच्छा। इस शीट पर स्टेटमेंट लिखो। यस सर। हेलो कंट्रोल रूम, जेपी नगर स्टेशन से बोल रहा हूँ। फुटन हॉली सर्कल के पास आधे घंटे पहले एक चोरी हुई है। एक एम्बुलेंस घूम रही है, उस पर नंबर प्लेट की जगह एक स्टिकर लगा हुआ है। सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो। सर आपकी चाय? चीनी तो कम है ना? हाँ हाँ सर। मेरी पत्नी मुझे चीनी से मार रही है। सर सर। ए प्रकाश इसे टाइप कराओ। ठीक है सर। गाड़ी नंबर 102 की चाबी लेके आओ। हाँ सर लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ये उसका आखिरी महीना है लेकिन वो परेशान करना बंद नहीं करेगा। इस आदमी को छोड़ना मत।
कितनी बार भी बदलो साला ऐसा ही रहता है। क्या परेशानी है? ये क्या बात है? बरानी आओ। हाँ सर आता हूँ। अरे ये आदमी कहाँ गया? ए, सर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी मुझे लगा टॉयलेट है। रिकॉर्ड रूम में सुसु किया? नहीं सर, सॉरी सर। रिकॉर्ड रूम को किसने खोला? सर मैंने इसे बल्ब बदलने के लिए खोला था। ठीक है बंद कर दो। अब ये साइन करो। जी सर। सर सर प्रकाश उसके डर को देखकर मुझे विश्वास है यही चोर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। ऑफिसर सुबह आएंगे उनसे मिलना। सर सर कंप्लेंट कॉपी गिर गई है तुम्हारी। कागज मेरे हाथ में है। ये ले जाओ तभी तुम्हें मारा। ध्यान से घर जाना। सॉरी सर। ठीक है अब ये दोबारा मत करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स। ध्यान से जाना। ध्यान से। भरोसा है ना? बस भरोसा करो प्लीज। हमारा काम पूरा हुआ। वाह क्या टाइमिंग है, क्या डेडिकेशन है। चाहे स्वार्थी लोग हो, चोर हो या फिर खूनी हो, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे तारीफ नहीं सुननी। बताओ फाइल का क्या करूं? मुझे उस फाइल की एक फोटो भेजो। मुझे एक मिनट दो।
से वहीं चला दो। मैं बेवकूफ लगता हूँ? जब तक जैनी को छोड़ोगे नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक आदमी था, वो सुबह से शाम तक घरों में दवाइयां पहुंचाकर लोगों की जानें बचाता। जैसे ही रात हुई वही आदमी उनके घरों में चोरी करता था। हवाला सिस्टम का इस्तेमाल करके उसने कई पैसे दुबई भेजे और एक महीने में वो और उसकी गर्लफ्रेंड ने दुबई जाकर सेटल होने का सोचा। लेकिन ट्विस्ट है जो चोर को नहीं पता कि वो हवाला का नोट जो उसने अपने लॉकर में सुरक्षित रखा था वो वहाँ नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता? यही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें जानता हूँ। ये तो सिर्फ सैंपल है, अगर ये फाइल नहीं जलाई तो मैं इस नोट के साथ साथ तुम्हारे भविष्य को भी जला दूँगा। ऐसा मत करो, मैं फाइल जला दूंगा वरना, समझे? हो गया तो मैं हर काम से पहले तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, समझ गए? फिब्रिन C3 इंजेक्शन पता है ना? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, छोड़ो सुनो। जब फिब्रिन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो 3 घंटों में बॉडी के सभी ब्लड सेल्स जम जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। जेनी 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 तुमने 4 बजे से पहले ये नहीं करा। प्लीज नहीं, हेलो प्लीज। हमारा प्लान लीक हो गया। भागो भागो भागो, तुम वहां जाओ। जंप जंप जंप। भाई तीसरा लॉकर नहीं खुल रहा। मुन्ना तुम्हें मुझे पहचानने में बहुत समय लग गया। मारी हम दोस्त थे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दोस्त, तुम अपॉर्चुनिस्ट हो। तुमने पूछा कि तुमने क्या किया था? मैंने? हाँ तुमने। मैंने क्या किया? 3 साल पहले 22 मार्च, तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं। मैं बताता हूँ, हम दोनों रेडी के घर में गए थे चोरी करने। हाँ मुझे याद है, उस घर में 3 लॉकर थे, हमने 2 लॉकर खोले। क्या तीसरा लॉकर नहीं खुल रहा यार? एक साथ जाएंगे तो पकड़ जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ।
जैसा तुमने कहा मैंने वैसा करा। मेरी बदकिस्मत इतनी सूखी छाड़ी ना गलती से मैं उसमें गिर गया और तुम मेरे सामने आया। मैं बहुत चिल्लाया मगर चले जा रहा मैं किसी का मुन्ना तुमने गलत समझा मेरी बात को तो सुनो यार। मुन्ना भागने की जल्दी में मैंने तुम्हें दूसरी तरफ से खोदने को कहा था यार। मुझे नहीं पता था कि वहाँ आग लगी हुई है यार और जैनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैनी निर्दोष है यार। मैं फिर विश्वास नहीं करूँगा। तुमने 20 मिनट ले लिए तुमने हमारी दोस्ती नहीं बचाई। टास्क पूरा करके अपनी गर्लफ्रेंड को बचा। यहाँ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सब ले लिया ना? मैंने सब कुछ खरीद लिया लेकिन अचार नहीं मिला। साइड डिश के लिए कबाब और एक क्वार्टर। क्या सिर्फ एक? उससे कुछ नहीं। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। लॉकडाउन में तो एक भी मिलना बहुत मुश्किल है और तुम्हें तीन चाहिए। अरे यार एक काफी नहीं है। जाओ जाओ रजिस्टर बुक लेके आओ। आज हमने 32 लाशें दफनाई सभी के सभी कोविड केस है। हाँ इसलिए मैंने उससे कहा था अगर उनके परिवार में कोई वायरस से मरता है तो जगह नहीं मिलेगी तो उसने मुझे एक क्वार्टर दे दिया। अच्छा जी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। हमने आज एक बार ओनर को अपना टैलेंट दिखाया है। हाँ मेरे लिए भी डालो। सिर्फ अपनी ही डाल रहे हो क्या कर रहे हो? तुम होशियार हो मेरे लड़के। सही सही बताओ कौन सी खोदनी है मुझे? उसका नाम प्रकाश रेड्डी है। 16 घंटे पहले मौत हो गई। बस इतना ही पता है। तुम्हारे ऊपर है कि उसकी कब्र कैसे ढूंढनी है और उसका फिंगरप्रिंट लेना है। इडियट पागल बना रहे हो क्या मुझे? इनमें से किसी भी कब्र पर नाम नहीं है सिर्फ नंबर है। नंबर कौन सी खोदो? मैं क्या बोलूं मुझे सिर्फ इतना ही पता है। हेलो मुझे धोखा दिया था तब तो परिणाम के बारे में। हेलो हेलो मुझे कुछ क्लू तो दो मुन्ना। हेलो हेलो hmm.
जाओ रजिस्टर बुक चेक करो, आज हमने 32 लाशें दफनाई हैं, सारे कोविड केस हैं।
हो गया। अच्छा तुम इतनी गंदी तरह से हाफ क्यों रहे हो? बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ी, यहाँ कब्र ढूंढना मुश्किल था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पागल बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, हर जगह मेरा पीछा किया उसने। वो यहां भी आया, उसने मुझ पर हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उसका हथियार लिया और उसे फिर खत्म कर दिया, खत्म, और उसे उसी कब्र में डाल दिया। तो ये काम कर रहा है? क्या काम कर रहा हूँ? बाजार में नया इल्यूजन ड्रग आया है और मैंने वो तुम्हारे इनहेलर में डाला था और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब तक जो भी तुमने देखा है वो सब एक भ्रम था। रखती है तुम? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा मकसद तुम्हें हर तरह से टॉर्चर और परेशान करना ही है। चुप रहो तुम। इस कल्पना को पूरी करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला। अच्छा कुछ और जानते हो? बहुत मेहनत के बाद तुमने जो फिंगरप्रिंट लिया पता है किसका है? उसे क्या पता तुम्हारा प्लान है ना? बताओ। हाँ पता था। 3 साल पहले 22 मार्च को जिसके घर हम चोरी करने के लिए गए थे जब हम असफल हुए थे, ये वही लेकर प्रकाश रेड्डी के है। तुम कहते हैं पागल दिमाग अंधा होता है। उस दिन तुमने पैसों के लालच में मुझे धोखा दिया, लेकिन अब उसकी सारी जिंदगी की कमाई मेरी होगी, तुम्हारी वजह से। क्या क्या कह रहे हो तुम? एक जगह पर जाओ, वहाँ एक लैपटॉप होगा, उसके फिंगरप्रिंट को खोलो, उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करो। अगर कोई स्कीम आजमाने की कोशिश करे तो परिणाम पता है ना, तुम्हें चैनी वापस नहीं मिलेगी। Hey! सुनो, मुझे तुम और तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुमने चेहरे को कुछ किया तो बचोगे नहीं। हे, हे, हे। शिट।
काम पूरा हो गया। चैनी को बचाने के लिए सिर्फ 40 मिनट बचे। शिट। क्या हुआ? शटर का लीवर टूट गया। शांत करने के लिए उसके पैरों में रस्सी बांधी गई, लेकिन वो अपनी ही पूंछ से टकरा कर मर गया। अब तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। जितना टॉर्चर मैं तुम्हें दे रहा हूँ उससे ज्यादा परेशानी तो तुम खुद पैदा कर रहे हो। मेरे फोन की बैटरी 1% है, प्लीज मुझे बताओ जैनी कहाँ है। मुन्ना जैनी कहाँ है? प्लीज प्लीज। अगर तुम सुबह 4 बजे से पहले DKS टावर 4th floor पर आ गए तो तुम्हें तुम्हारी जैनी मिल जाएगी। अगर नहीं आए तो तुम मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। हेलो, ಈ ಕೈ ಮೀರಿ ಮಂಕಾಗಿದೆ
ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है।
जेनी, 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 मुन्ना, जेनी, 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 मुन्ना, जेनी, 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 बताओ जेनी, जीवन में तुम्हारे आस पास जो होता है ये हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे अतीत के कर्मों ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। आज मैं शैतान को आजाद हूं।
भले ही हम बदला लेने से बचे, कर्म आखिरकार फड़क, भले ही हम इससे दूर भागने की सोचे, अंदर से एक आवाज लड़ने को कहे। ಸುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತೆ.